हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट व्हील्स। सो आज का वीडियो होने वाला है जो नया बजाज का लॉन्च है CT125X, इसके ऊपर। तो पहले मैं ओवरऑल लुक्स के बारे में बात करूंगा कि अगर आपको एक डिसेंट सा सोबेल लुक का बाइक चाहिए तो उस हिसाब से ये बाइक काफ़ी अट्रैक्टिव है। पहले फोन के ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि आप इसका DRL देख सकते हैं, यहाँ पर ऑन करके भी दिखा रहा हूँ। और ये हेलोजिन सेटअप है सामने गोल, और ये वाला जो इंडिकेटर है ये पुराना जो पल्सर आता था 125-150 उनसे लिया गया है। एक काफ़ी अच्छा चीज़ है जो इसका सस्पेंशन में ये गार्ड किया हुआ है। इससे क्या होता है कि धूल मिट्टी तो जाता नहीं है सस्पेंशन का जो बाहर है उसमें, और इसमें ऑयल लीक होने का भी चांस नहीं रहता। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है क्योंकि ये सिटी राइड के लिए है। सिटी में तो बहुत पॉट होल्स रहता ही है और कीचड़ भी रहता है रोड पर। ये अच्छा सा एलॉय व्हील दिया गया है और साइड में ये रेडियम दिया गया है इंडिकेटर। इंजन गार्ड है यहाँ पर। इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मेटल बिल्ड है। और एक जो चीज़ मुझे फ्रंट में अच्छा लगा है वो है कि इसका जो साइड में बार है इसमें एक ऐसा रबर ग्रिप दिया गया है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग जब कीचड़ के ऊपर से जाते हैं तो पैर रखना पड़ता है, इसके लिए इसका कलर फेड हो जाता है। इसके ऊपर ऐसा नहीं होगा तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। छोटा मोटा चीज़ है लेकिन ये काम का है। और ये जनरली कार्बोरेटेड इंजन है। साइड में एक कीक दिया गया है, मतलब बैटरी का इशू हुआ तो आप किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम ही प्रैक्टिकल चीज़ है। इसका जो फुट पेग है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही मोटा और ग्रिप्ड है। और साइड में जो पेडल है ये भी फ्लैट है, मतलब सरफेस एरिया इसका बहुत अच्छा है, ज़्यादा है। तो प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल के हिसाब से इसमें हम 10/10 दे सकते हैं इसको। और एक और चीज़ है जो आपको दिखा दूँ, इसका एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो कि ये चेन कवर। ये जनरली कंप्यूटर बाइक्स में आता है लेकिन इसका चेन कवर बहुत ही अच्छा स्पेशियस है। इसका जो इंजन है इसमें मैंने एक बार टेस्ट ड्राइव लिया था, मेरे एक भैया का है उसमें चलाया था। इसको फ़िलहाल ये नया बाइक है, इसको नहीं चलाया, लेकिन मेरे भैया के बाइक में चलाने के बाद मुझे एक चीज़ महसूस हुआ कि इसका इंजन थोड़ा सा मतलब वाइब्रेशन करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जितना भी है एकदम फुल्ली रिफाइंड हम इसको नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक मैं बोल सकता हूँ। और इसका जो इंजन का जो साउंड है मैं आपको वो भी सुनाऊंगा लास्ट में, तो वो बहुत ही ग्राउंडी और थोड़ा सा बेसी लगा है। 125 हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और इसका ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 10.9 Nm का टॉर्क या शायद 11 Nm का टॉर्क और 10.9 BHP शायद ऐसा ही कुछ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और इसका जो टायर का बात करें आप देख सकते हैं यूरो ग्रिप का टायर है। इसका सेक्शन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, 190 सेक्शन पीछे है, ठीक है ना, और फ्रंट में 80 समथिंग है शायद, फ्रंट में 80 and 100 सेक्शन का। तो टायर की बात करें अगर कम्यूटर बाइक के हिसाब से और अपने पावर फिगर के हिसाब से ठीक ठाक टायर दिया गया है। ज़्यादा मोटा टायर से क्या होता है माइलेज गिर जाता है। अब आते हैं इसका रेयर, जो रेयर में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लगेज रखने का जगह है, कैरियर टाइप का छोटा सा, और इसमें रबर ग्रिप दिया है, यह हार्ड रबर का है। ये लुक्स के लिए काफ़ी अच्छा और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है, आप सामान भी बांध सकते हैं इसमें। और इसका जो पीछे वाला बैकलाइट है ये पुराना जो कावासाकी बॉक्सर आता था बजाज के साथ मिलके, वो बॉक्सर जैसा ही लाइट है इसका। और अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो गाड़ी देखने में एकदम मतलब प्रैक्टिकलिटी इसमें ज़्यादा दिया गया है। और एक छोटा छोटा एलिमेंट ऐड किया है, जैसे कि ये आपको टैंक पैड दिख सकता है, ये पहले दूसरा प्लैटिना जो है इसमें नहीं आता था, उस हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल और लुक्स के लिए एलिमेंट ऐड कर दिया गया है। अभी आते हैं इसके हैंडल के ऊपर। अगर आप इसका जो मिरर देखें ड्यूक जैसा लग रहा है, ड्यूक 200 ड्यूक 125 में ऐसा ही आता है। और यहाँ पर जो है आपका एक रबर पैडिंग दिया गया है, इसमें आप कोई अगर फ़ोन होल्डर वगैरह ये सब लगाएंगे तो आपका ये जो मेटल का जो कलर होता है ब्लैक ये उठ जाता है, लेकिन इसमें नहीं उठेगा, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर कोई RPM मीटर नहीं है इसके, इसी में ही एनालॉग का स्पीडोमीटर है। यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं फ्यूल गेज, और यहाँ पर इंजन मलफंक्शन न्यूट्रल जो जो इंडिकेटर से लाइट का वो सब यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बजाज लिखा हुआ है। तो काफ़ी ठीक ठाक है अपना प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि इसका एक शोरूम प्राइस ही आता है 71,000 का। एक और बहुत ही अच्छा चीज़ फर्स्ट इन द सेगमेंट है जो कि ये चार्जिंग पोर्ट, तो ये हाई सेगमेंट का बाइक में भी नहीं आता तो इसमें दिया है, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। और अगर आपका टैंक का बात करें तो टैंक का फ्यूल कैपेसिटी मुझे लगता है 10 से 11 लीटर होगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, स्क्रीन में शायद आपको दिख रहा होगा। ये पूरा अच्छा सॉलिड मेटल बिल्ड है, और यहाँ पर जो ये वाला है ये वाला पार्ट प्लास्टिक का है, यहाँ पर 125X का ग्राफिक्स है।
और पीछे यहाँ का जो ये ग्रैब रेल है इसको ही कंटिन्यू किया गया है, कोई प्लास्टिक एलिमेंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर प्लास्टिक का बात करें तो सिर्फ यही पार्ट जो है प्लास्टिक का है, और ये मैट फिनिश वाला प्लास्टिक है, और ये वाला भी हार्ड प्लास्टिक का है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, कोई चीप प्लास्टिक नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ इसका स्विच गियर्स, ये काफ़ी बेसिक सा है लेकिन क्वालिटी अच्छा है, ऑन भी ठीक ठाक है। यह है इसका लाइट का स्विच, स्विच क्वालिटी प्राइस के हिसाब से मैं ठीक ठाक बोलूँगा। अब अभी इसमें तो आपको एकदम प्रीमियम नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, मैं इसको बुरा नहीं बोल सकता। एक और चीज़ है जो कि है इसका, आप इस साइड में देख सकते हैं ये फुटरेस्ट दिया गया है। एक तो यहाँ पर जो नॉर्मल होता है पिलियन के लिए लेडीज़ फुटरेस्ट जैसे यहाँ पर भी कर दिया गया है, सिमिलरली इस तरफ भी है, दोनों साइड है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, पता नहीं कोई भी और दूसरा बाइक में आया है कि नहीं अभी तक, लेकिन मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ इसको। और यहाँ पर एक साड़ी गार्ड भी है प्रॉपर। तो अभी आपको थोड़ा सा इसका इंजन साउंड सुना देता हूँ। তেল নেই একটু হবে না মানে ইঞ্জিন সাউন্ড শোনানোর জন্য, একটা গাড়ি তো সাউন্ড শোনানো যাবে না। তো ফিলহাল বাইক মে থা সা পেট্রোল নেই বচা এসলে আপনার ইঞ্জিন সাউন্ড মে শোনা নেই পা রা, লেকিন উপর আর নেক্সট নেক্সট আপডেট আয়েগা উসমে মে ইসো কভার কর দূঙ্গা। এক আর চিজ মে ছুট গিয়া থা ও ইসকা সিট, हार्ड सीट है थोड़ा सा, लेकिन ठीक ठाक मैं बोल सकता हूँ, कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं कि आपको अनकंफर्ट देगा। लॉन्ग राइड के लिए ज़्यादा सॉफ्ट सीट अच्छा नहीं होता, हार्ड सीट ही लॉन्ग राइड के लिए ठीक होता है। तो ये सिटी में लॉन्ग राइड के लिए बना हुआ है तो एकदम ठीक है। यहाँ पर पिलियन के लिए बहुत स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सीट बहुत ही चौड़ा भी है साइड में, आप देख सकते हैं, पैर को भी अच्छा पैडिंग देगा। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा इसको, मैं ओवरऑल 10 में मैं 9 दूँगा। तो ऐसा ही है सिटी 125X, अगर 125cc एक 10 BHP के ऊपर अगर आपको कोई बाइक चाहिए इस प्राइस रेंज में, तो अभी तक तो मुझे यही बेस्ट लग रहा है। आप लोग डेफिनेटली अगर सोच रहे इसको लेंगे तो आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। इसका ये एक और सेकंड कलर है जो कि रेड एसेंट के साथ आता है। आप देखते हैं कि टैंक में आपका ये रेड ग्राफिक्स दिया गया है। जनरली इसमें कलर सब ब्लैक ही आता है, सिर्फ ग्राफिक्स के ऊपर ही कलर चेंज है। एक और आता है यहाँ पर ग्रीन, मुझे फ़िलहाल तो तीनों कलर ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्रीन थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है मुझको। और अदरवाइज़ आप ब्लू या रेड भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कलर एकदम मतलब स्टिकरिंग का बात है। ये आप साइड व्यू में देख सकते हैं दोनों को। और पास में एक और 110X है, आप देख सकते हैं डायमेंशन के हिसाब से कोई चेंज नहीं है। 125-110X डायमेंशन लुक्स में एकदम सेम टू सेम है, सिर्फ इसमें जो है इसका टैंक मैट कलर में आता है जो कि ये ग्लॉसी ब्लैक में आता है, और ग्राफिक्स का चेंज है सिर्फ बस। और जो मेन चेंज है इसका इंजन में, इंजन में ये इसके मुकाबले इसका पावर ज़्यादा है जैसे कि होना चाहिए 125cc में। और अगर सीट का बात करें तो सीट मुझे क्वालिटी वाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो स्टिचिंग है लेदरिंग है ये थोड़ा सा अलग है, और ये वाला जो पैटर्न ये थोड़ा सा प्रीमियम लुक्स देता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।